दोस्तों मैं आपको आज एक शुगर की दवा आती है उसके अंदर सॉल्ट होता है टेनिलिक ग्लिप्टिन, जो मार्केट में कई नाम से आती है, जैसे कि G10, जीटा प्लस, जीटा मेट प्लस, टेंडिया 20, टेंडिया एम, कई नाम से आती है। ये टेनिलिक ग्लिप्टिन सॉल्ट डायबिटीज के लिए बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग है। उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो टेनिलिक ग्लिप्टिन आज से करीब 4-5 साल पहले मार्केट में लॉन्च हुई है, जो कि एक मार्केट 20 mg की टैबलेट आती है। इसका डोज होता है 1 टैबलेट डेली। जो टेनिलिक ग्लिप्टिन जो सॉल्ट होता है, जब आप मरीज खाता है तो खाने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के ये पेट के अंदर पेंक्रियाज पे जाके कुछ ऐसा चेंज करता है जिससे पेंक्रियाज में इंसुलिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो टेनिलिक ग्लिप्टिन क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब हम खाते हैं तो आंतों से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे बोलते हैं GLP हार्मोन निकलता है। GLP जैसे हम खाना खाते हैं ये GLP हार्मोन आंतों से निकलता है और ये पेंक्रियाज जाकर उसको स्टिमुलेट करता है कि इंसुलिन हार्मोन बनाए, जिसके जैसे खाना मुंह में जाता है इंसुलिन थोड़ा प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज मरीजों के अंदर ये GLP हार्मोन की आंतों से रिलीज बहुत कम होता है। हार्मोन हमारी डायबिटीज मरीजों के अंदर GLP का प्रोडक्शन आंत से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब मरीज खाता है तो जैसे हमारा खाना मुंह में जाता है, स्टमक पहुंचता है, हल्का इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो दैट कि जब आधे घंटे बाद खाने के बाद शुगर थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो ऑलरेडी थोड़ा इंसुलिन भी साथ में बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर नॉर्मल लोगों के अंदर 140 से ऊपर नहीं जा पाता है। जबकि डायबिटीज मरीजों के अंदर ये GLP हार्मोन बनना काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज खाता है तो जब तक खाना पच करके छोटी आंच से ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के शुगर नहीं बढ़ाता है, जब शुगर मोर देन 140 जाता है नॉर्मल डायबिटीज मरीजों में, तब इंसुलिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और हल्का फुल्का स्टार्ट होकर जब सिग्निफिकेंट इंसुलिन जब बनना स्टार्ट होता है तब तो ऑलरेडी ब्लड शुगर 200-250-300 जा चुका होता है। इसीलिए इस GLP हार्मोन जो आंतों से निकलता है उसकी कमी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज के अंदर खाने के बाद का ब्लड शुगर यानी PP ब्लड शुगर अक्सर हाई आता है, क्योंकि PP कंट्रोल करने के लिए GLP हार्मोन का होना ज़्यादा जरूरी है। तो जो नई गोली आई है टेनिलिक ग्लिप्टिन आई है, जो इस समय मार्केट और भी कई ग्लिप्टिन आती हैं, जैसे कि हमारा सीता ग्लिप्टिन जो मार्केट जेनिविया के नाम से आती है या स्टाबेल के नाम से आती है, इसके बाद दीना ग्लिप्टिन जो मार्केट में आती है ट्रेजेंटा के नाम से या ऑनडेरो के नाम से आती है, या सेक्सा ग्लिप्टिन, कई ग्लिप्टिन विल्डा ग्लिप्टिन आती है जो सिमिलर काम करती है। आज आपको टेनिलिक ग्लिप्टिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टेनिलिक ग्लिप्टिन जब आप मरीज खाता है तो ये क्या करता है कि जैसे हमारी आंतों से ये GLP हार्मोन निकलता है तो बॉडी के हर टिश्यू के अंदर, लीवर में, किडनी में, हर टिश्यू में एक एंजाइम होता है DPP4 एंजाइम होता है जो GLP को डिस्ट्रॉय कर देता है, सो दैट कि ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन ना हो रोकने के लिए। और GLP रिसेप्टर GLP डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा काफ़ी। तो बॉडी सेफ्टी रखी हुई है कि GLP रिलीज हुआ, इंसुलिन बना, फर्स्ट बॉडी डिस्ट्रॉय किया। बट बोला जैसे डायबिटीज के अंदर GLP बनना काफ़ी कम हो जाता है, तो ऐसे में ये टेनिलिक ग्लिप्टिन सॉल्ट जो है जब मरीज खाता है तो करीब 3 घंटे के अंदर ब्लड में अंदर काफ़ी मात्रा 2 घंटे में बढ़ जाती है। और ये टेनिलिक ग्लिप्टिन सॉल्ट क्या करता है कि जो एंजाइम होता है DPP4 जो कि GLP डिस्ट्रॉय करता है,
को इनहिबिट कर देता है, सो दैट आंतों से जो भी थोड़ा बहुत जीएलपी निकलता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज में इंसुलिन फॉर्मेशन स्टिमुलेट करने के लिए ब्लड में जीएलपी मात्रा बढ़ जाती है। देखा गया कि जब डायबिटीज मरीज को ये टेलीग्लिपिन खिलाने पे ब्लड के अंदर जीएलपी मात्रा करीब 100-150% बढ़ जाता है, मैंने करीब देखिए करीब दुगना से ढाई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि ब्लड में शुगर खाली पेट और खाने में दोनों नॉर्मल आ जाता है। देखा गया कि जितनी ग्लिप्टिन से होती है इंक्लूडिंग टेनलीग्लिप्टिन, खाने के बाद पीपी शुगर को अच्छा कंट्रोल करता है, फास्टिंग भी कम करता है बट पीपी पे इसका असर ज़्यादा होता है। पर इन दवा खासियत बड़ा खासियत बात क्या होती है कि ये जितनी ग्लिप्टिन होती हैं टेनलीग्लिप्टिन या जो अदर ग्लिप्टिन, ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाती है, यानी कि अगर ब्लड शुगर 80 कम आ जाएगा तो इंसुलिन का फॉर्मेशन को बनना नहीं बढ़ाते हैं, और जैसे ब्लड शुगर 110 ऊपर जाने लगेगा इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, मतलब ब्लड में टेनलीग्लिप्टिन घूमता रहेगा उस अंदर, क्योंकि एक गोली खाने पर 24 आवर काम करता है, बट इंसुलिन प्रोडक्शन तभी स्टिमुलेट होगा जबकि ब्लड शुगर 110 ऊपर जाने लगे, और जैसे इंसुलिन ब्लड शुगर 80 कम आएगा इंसुलिन का स्टिमुलेशन इंसुलिन बनना जो बढ़ाने की कैपेसिटी है बंद रहती है, यानी कि अगर शुगर बढ़ेगा तो इंसुलिन फॉर्मेशन बढ़ेगा, शुगर नॉर्मल आ जाएगा इंसुलिन बनना रुक जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि जितनी ग्लिप्टिन होती हैं ये चूँकि शुगर बढ़ने में इंसुलिन प्रमाण बढ़ाती है, ये शुगर लो नहीं करती है। तो टेनलीग्लिप्टिन में फायदा क्या हुआ, ये 24 आवर में एक बार दिया था 20 mg, पहला नंबर वन। नंबर टू, ये शुगर लो नहीं करता है, तो जहाँ ब्लड शुगर 80 से कम आता है इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। थर्ड, लॉन्ग टर्म में इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, मतलब ये शुगर लो नहीं करती है, कोई वेट नहीं बढ़ाती है और हार्ट या किडनी को नुकसान नहीं करती है। थर्ड, ये डिस्ट्रॉय कैसे होता है, टेनलीग्लिप्टिन गोली खाने के बाद 50% लीवर से रिलीज होता है, लीवर को एक्सट्रेक्ट करके और आंसू थ्रू बाहर निकाल लेती है, और 50% किडनी के अंदर फिल्टर होकर के पेशाब थ्रू बाहर आ जाता है। तो टेनलीग्लिप्टिन का फायदा क्या है, किडनी खराबी हो या लीवर खराबी हो दोनों में दिया जाता है, क्योंकि और किडनी खराब है तो लीवर थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा, और लीवर खराब है किडनी थ्रू बाहर आ जाएगा, तो किडनी और लीवर दोनों कंडीशन में सेफ है। तो टेनलीग्लिप्टिन बड़ा अच्छा सॉल्ट है, आज के डेट में सस्ता भी है, करीब एक गोली 10-12 रुपये का आती है, जैसे बोला मार्केट में कई नाम से आती है, G10, जीटा प्लस, डायनाग्लिप्टिन, टेनीवार, टेनीबाइट, टेंडिया, कई नाम से आती है, इसको जो है आप टिगलिप आती है, टेनीवा आती है, जो कि 1 tablet डेली दिया जाता है, कभी कभी अप टू 40 mg यानी 2 tablet भी दिया जाता है। देखा गया कि अगर 1 tablet कंट्रोल ना है तो 2 tablet से फायदा होता है। किसको ये गोली खानी चाहिए, तो बेस्ट क्या होता है कि हम लोग क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि बहुत सेफ है, साइड इफेक्ट नहीं है, तो जिसको डायबिटीज स्टार्ट होता है अगर मेटफॉर्मिन यानी ग्लाइकोमेट, ग्लूकोनॉन इन सब कंट्रोल ना आए तो नंबर टू हम लोग इसको ऐड करते हैं। या किसी शुरुआत में शुगर काफ़ी हाई है 150-160 खाली पेट खाने में 200-250 है, तो अगले मेटफॉर्मिन कंट्रोल नहीं आएगा, तो शुरू में हम लोग क्या होता है कि मेटफॉर्मिन अलॉन्ग विथ टेनलीग्लिप्टिन दे देते हैं, तो सेफ है, सस्ता है, लॉन्ग टर्म में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक अच्छी दवाई है, और 1 time नॉर्मली देना होता है, तो ये मरीज के लिए कन्वीनियंट है, एक बार खाया शुगर कंट्रोल हो गया उसका। तो आपने देखा कि टेनलीग्लिप्टिन कैसे इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, शुगर बढ़ने पर नॉर्मल घटा देती है, और ये यूजफुल ड्रग है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इकोनॉमिकल होने की सस्ता होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग हम उसको दे पाते हैं। तो आज हमने आपको टेनलीग्लिप्टिन के बारे में बताया।